हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। देखिए, सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जो बच्चे बीएड लास्ट ईयर के हैं या जिनका बीएड हो चुका है वो सभी सीटेट का फॉर्म भरेंगे। जिनको सेंट्रल लेवल की जॉब चाहिए होती है, केंद्रीय विद्यालय में नौकरी चाहिए या फिर DSSSB यानी दिल्ली में अगर नौकरी चाहिए तो वो सीटेट उनका कंपल्सरी मांगा जाता है। सीटेट जो है वो पास होना जरूरी है। प्राइमरी लेवल पर जो है पेपर वन पास होना चाहिए और उसके बाद अपर प्राइमरी में जो है आप लोगों को पेपर टू मांगा जाता है, ठीक है। और जितने भी बीएड जो किए हुए बच्चे हैं वो सभी सीटेट का जो है वो फॉर्म जरूर भरें यदि आप लोग सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं। और कहीं कहीं पर स्टेट में भी जो है सीटेट लागू हो चुका है, जैसे कि यूपी की अगर बात करें तो यूपी में या यूपी टेट जो है मांगा जाता है, या फिर सीटेट अगर पास है तब भी उनका चल जाता है। किसी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए उससे पहले की जो पात्रता परीक्षा होती है वो आपको पास करना जरूरी होता है। तो ये सेंट्रल लेवल की जॉब के लिए तो कंपल्सरी है, इसके साथ साथ कई स्टेट ने भी सीटेट को जो है वो लागू कर दिया है। तो आप लोग सीटेट का जो है वो फॉर्म भरेंगे, जो भी बीएड किए हुए बच्चे हैं जिनके लास्ट ईयर बीएड चल रहा है वो भी एलिजिबल होंगे। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सीटेट की तैयारी हम कैसे करें, किन किताबों से करें। और अगर हमें गाइडेंस पहले मिल जाती है तो हम केवल उन्हीं बुक का सहारा लेते हैं और कम समय में हम तैयारी करके अच्छा जो है वो अचीव कर लेते हैं, ठीक है। और कम समय में हम पेपर पास करके हमें बार बार जो है उसी पेपर को देने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हमें स्टार्टिंग से उस चीज के बारे में पता चल जाए। तो यहाँ सीटेट के लिए तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की बुक, ठीक है। कई बच्चों को मालूम है, जिनको नहीं मालूम है, जो अभी करके आए हैं बीएड, जिनको नहीं पता है किनसे तैयारी करनी है, गाइड बिल्कुल भी नहीं आप यूज करें। आप केवल सीटेट की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी की बुक लें। प्राइमरी लेवल पर आप फर्स्ट क्लास से लेकर जो है 8th क्लास तक की बुक पढ़ेंगे केवल, इसके अलावा आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोई कहता भी है कि आप जो है वो 12th तक पढ़िए, आपको जरूरत ही नहीं है। सीटेट पेपर वन के लिए आप जो है वो 1 से लेकर और 8th तक की बुक जो है वो अच्छे से आप लोगों को पढ़नी है, एक एक लाइन आपको याद करनी है। क्यों? क्योंकि सीटेट का जो लेवल होता है उसमें प्रश्न जो है कैसे आते हैं, बुक में से ही जो है वो लाइनें उठाकर आपके एग्जाम में आ जाती हैं, ठीक है। उनकी जो लाइन जो होती है बुक्स की, तो उसको भी नहीं बदला जाता है, वैसे ही उठाकर पूछ ली जाती है। इसलिए मैं बोल रही हूं कि इन बुक को ही पढ़ना है। और पेपर टू की जो तैयारी करेंगे बच्चे तो उन लोगों को 6th से लेकर 10th तक की जो बुक्स हैं वो अच्छे से कवर करनी है, आपके सब्जेक्ट की भी अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। साइकोलॉजी की अगर बात करें 11th 12th में जो बुक चल रही है वही आप पढ़ें, अदरवाइज कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। तो साइकोलॉजी बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो आपको दिलाती है, साथ में जो है जो सब्जेक्ट है तो उसके लिए आप एनसीईआरटी की जो बुक है वो आपको पढ़नी है। 8th तक जो है वो पढ़ेंगे पेपर वन वाले, और पेपर टू वाले जो है 10th तक पढ़ेंगे। इसके आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके आगे आप लोग जब केवी की तैयारी करोगे, केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करोगे, DSSSB की तैयारी करोगे, तब आप 12th तक पढ़िए, ठीक है। और जो कि PGT की तैयारी करते हैं तो वो उसके आगे भी जाते हैं। तो केवल वही सटीक तैयारी करिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, फालतू बुकों पर ध्यान मत दीजिए, उतना ही पढ़िए जो कि आपके पेपर के लिए बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिला सके। तो ये जो है वो एकदम सटीक बात है, जिसको आप अभी से अगर लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आप खुद अगर लास्ट ईयर के पेपर उठाकर देखेंगे और मैच करेंगे एनसीईआरटी की बुक से तो आपको लाइनें वही मिल जाएंगी। वहीं पर सीटेट में जो है वो आपके क्या पूछा जाता है, कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। 80% क्वेश्चन आपके कंसेप्ट आधारित होते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर रटने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तभी आप जो है इस पेपर को पास आसानी से कर जाते हो। वहीं पर स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट में तो फैक्ट इतने पूछे जाते हैं कि बच्चा जो है वो पूरी साल भर जो है वो फैक्ट को याद करता रहता है, लेकिन सीटेट में ऐसा नहीं है। यहाँ 80% आपके कंसेप्ट पर आधारित होंगे, मात्र 20% जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, यानी डेटा पूछे जाएंगे 20%।
इसलिए बुक को पढ़ें आप, अगर आपने नहीं पढ़ी है मार्केट से लेकर आओ और एनसीईआरटी बुक जो है जो मैंने आपको बताई है उनको पढ़ना स्टार्ट करें। कहानियों के तरह उसमें दिया होता है लेकिन उसी पर आधारित जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आप लोगों को जो है लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पर ऐसे ही मिलेंगे। तो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको ये नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना क्या है, और फिर वो जो है वो एक साल की बजाय जो है लगा देते हैं 2-3 साल उसी एग्जाम को क्रैक करने में। ये सबसे बड़ी गलती होती है और मैं अपने चैनल पर बच्चों को यही बताती रहती हूं कि आप लोग जो है वो केवल उन बुक को पढ़िए जिनके आप अध्यापक बनेंगे। गाइड से पढ़कर तो आप बच्चों को भी नहीं पढ़ाएंगे, आप उन्हीं बुक को पढ़ाएंगे जो स्कूल में चल रही होगी, ठीक है। चाहे आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो राजस्थान में किसी एग्जाम की, चाहे आप सेंट्रल लेवल पर तैयारी कर रहे हो, आप स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगे तो स्कूल की बुक ही आपको चाहिए। और आप किसी भी चीज में जो है वो आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको एग्जाम क्रैक करना है तो वही चीज आप पढ़िए। और जो अदर नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी जो है वो नॉलेज उनको चाहिए होती है बच्चों को, तो उसके लिए तो आपके पास जिंदगी पड़ी है और आप बहुत नॉलेज लीजिए, कोई कमी नहीं है, नॉलेज आप कहीं से भी गेन कर सकते हैं। लेकिन बात जब एग्जाम क्रैक करने की होती है तो एग्जाम का आना चाहिए सामने सिलेबस और वो बुक, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि एनसीईआरटी बुक जो है वो आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है। आपका एग्जाम क्रैक केवल और केवल एनसीईआरटी बुक से ही होगा, किसी और बुक से नहीं हो सकता। इस चीज को माइंड में आज बैठा ले। कई बच्चे सुन लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं और वापस जो है वो एक गाइड से सारा पढ़ लेते हैं। आप अगर बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप गूगल पर सर्च करके एनसीईआरटी बुक जो है वहां पर आप सर्च करके वहां पढ़िए, ठीक है। और भी आसान बात है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं एनसीईआरटी बुक पढ़ाई जा रही है। मैंने आपको बताया 6th क्लास की एनसीईआरटी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी, हिस्ट्री की 7th क्लास चल रही है और अभी 1-2 दिन में दोबारा से मैं उसको स्टार्ट करने वाली हूं, क्योंकि थोड़ा सा जो है समय नहीं मिल पा रहा था इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन राजस्थान जीके की जो है वो कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। तो अगर आपको मेरी बात जो है वो समझ में आई है तो आप इसको धारण करें, और नहीं समझ में आई है तो आप जो है वो अपने माइंड से कार्य करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।